हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई का सेक्शन ई कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फाउंड इन। तो इसमें सब पार्ट है, सभी में आपको मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताना है, मतलब मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताना है। तो पहला है मिथानल रिएक्ट्स विद अमोनिया। तो मिथानल आपका होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड को मिथानल बोलते हैं, HCH2O, और इसका रिएक्शन अमोनिया से होता है। तो ये वाला हम रिएक्शन बता चुके हैं कि इसमें हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन बनता है, और स्ट्रक्चर आपका एक्चुअली में होता है ये, चार नाइट्रोजन लगा दीजिए और सभी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से अटैच रहेगा CH2 ग्रुप के साथ, फॉर्मल्डिहाइड का CH2 इस तरह से। सिमिलरली मतलब यहाँ से एक और CH2, ये इस नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन फिर एक और CH2 और इस नाइट्रोजन से। सिमिलरली जितना नाइट्रोजन है सभी 3 बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बना चुका है, तो दूसरा बॉन्ड बनाएगा इस CH2 से, तो 2 बॉन्ड बना चुका है, तीसरा बनाएगा इस नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ से CH2 और ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ये नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड बनाया हुआ है, तीसरा इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। मतलब आप कार्बन को नहीं भी डिनोट कर सकते हैं, तो आप इस तरह से नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, देखिए CH2 ग्रुप कार्बन ये है और ये अटैच रहेगा। सिमिलरली इस तरह से ये CH2 से अटैच रहेगा। सिमिलरली ये नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाया है, तो तीसरा बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन भी 2 बॉन्ड बनाया है, तीसरा बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ। अब जितना नाइट्रोजन है सभी 3-3 बॉन्ड बना लिया है, यही आपका हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन होता है। अब मैकेनिज्म तो इसका बहुत लेंदी होता है, ये तो बताए थे, लेकिन आप सिंपल ट्रिक ध्यान रखिएगा इस तरह से कि अमोनिया नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन रहेगा, सिमिलरली HCHO में से CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और अमोनिया लीजिए इस तरह से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर एक अमोनिया लीजिए नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक और अमोनिया फॉर्मल्डिहाइड लीजिए CH डबल बॉन्ड ओ, फिर एक और अमोनिया लीजिए नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक और फॉर्मल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आप क्या कीजिए, एक हाइड्रोजन ये, एक ऑक्सीजन ये और एक हाइड्रोजन ये, इस तरह से -H2O कीजिए, तो इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में ये CH2 डबल बॉन्ड होगा, एक CH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन चला गया तो हाइड्रोजन चला गया, तो NCH2N। सिमिलरली ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, -H2 होगा तो NCH2N, तो इस तरह से नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। सिमिलरली ये तीसरा, इसके बाद सिमिलर ये वाला हाइड्रोजन लीजिए, तब आपको आसानी होगा देख के करने, ये वाला दूसरे के साथ करवाएंगे, यहाँ ये दोनों आपस में करेगा CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। तो सिमिलरली ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, -H2 करेगा तो इन दोनों के बीच में, अब ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, तो एक और CH2 डबल बॉन्ड हो, तो इस तरह से -H2 होगा, तो ये नाइट्रोजन फिर CH2 फिर नाइट्रोजन, देख रहे हैं ये, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 ग्रुप, तो इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में CH2 ग्रुप। सिमिलरली ये नाइट्रोजन CH2 फिर ये नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन CH2 फिर ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन CH2 फिर ये नाइट्रोजन, तो इस तरह से। सिमिलरली सभी जो है 3-3 बॉन्ड बना रहा है, जितना हाइड्रोजन है सभी से -H2 हो रहा है और एक दूसरे के साथ CH2 से कनेक्टेड है, तो हर एक नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन है, तीनों से -H2 होता है और हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, यही आपका प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है इथाइल एसीटेट इज ट्रीटेड विथ डबल द मोलर क्वांटिटी ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड द रिएक्शन मिक्सचर पोर्ड इनटू वाटर। तो आपके पास इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट हो गया CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एसीटेट, और इससे इथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए C2H5, तो ये आपका इथाइल एसीटेट हो जाएगा, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब C2H5 से, C2H5Br, और इसका जितना मोल होगा उसका डबल मोल है, मतलब अगर ये मान लीजिए 1 मोल है तो ये 2 मोल है। इस्टर और अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड
नहीं, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मतलब MgBr, सॉरी। तो MgBr मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, C2H5 MgBr। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट स्ट्रोंग बेस और स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन स्ट्रोंग बेस के लिए एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, C2H5-। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा O C2H5 बाहर, SN2TS मैकेनिज्म, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव है। तो इस कार्बन से इथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो CH3 CO और यहाँ से C2H5, और लिविंग ग्रुप चला गया आपका C2H5 4-। अब फर्दर इसका डबल है, तो एक मोल के लिए एक ही मोल अभी रिएक्शन किया था, एक मोल और बचा हुआ है मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, C2H5 MgBr का इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आपके पास एक और न्यूक्लियोफाइल है, और इस केस में ये इस्टर नहीं है, कार्बोनिल है। तो कार्बोनिल के केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक और C2H5 ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो CH3। यहाँ से एक C2H5 तो पहले से था और एक और अटैच हो गया C2H5, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है O- बना लिया। इसके बाद इसको वाटर में पोर करते हैं, तो वाटर H2O से ये H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो आपके पास CH3 कार्बन, C2H5, C2H5 और यहाँ से OH। इसका नाम होगा 3-methyl-pentane-2-ol, 5 कार्बन एटम है एक्चुअली में। ये देखिए 1, 2, C2H5 है, नेक्स्ट कार्बन है, इससे एक और C2H5 है, और यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ से OH। तो नंबरिंग कीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो थर्ड से मिथाइल है, तो 3-methyl-pentane-3-ol, 2-ol नहीं सॉरी 3-ol होगा, 3-methyl, जिससे मिथाइल ग्रुप अटैच है उसी से OH भी अटैच है। इसके बाद थर्ड बेंजीन का रिएक्शन कर रहे हैं CH3CH2COCl/AlCl3, तो ये एसिड क्लोराइड है, बेंजीन और AlCl3 लेविस एसिड, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, तो देख के ही पता चल रहा है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, COCl है तो एसाइलेशन होगा, अगर अल्केन रहता मतलब सॉरी RCl अल्काइल हेलाइड रहता तो फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा, लेकिन इस केस में एसाइलेशन होगा क्योंकि एसिड क्लोराइड है। तो पहले तो AlCl3 जो है Cl- एक्सेप्ट कर लेगा, तो Cl- चला जाएगा, तो CO+ बन जाता है, CH3 CH2, और ये जो CO है वो C डबल बॉन्ड O, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और बेंजीन, तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन जो अटैच है वो चला जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हाइड्रोजन, तो आप बेंजीन से CO CH2 CH3 अटैच कर दीजिए इस तरह से, बेंजीन, और बेंजीन से C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये आपका कीटोन है, कीटोन ही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा इस केस में फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद, एसाइल ग्रुप अटैच हो गया बेंजीन से। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोपानल, इसका रिएक्शन कर रहे हैं NaOH/HCl, तो प्रोपानल होता है CH3 CH2 CHO CH डबल बॉन्ड O, बेस के साथ हीट कर रहे हैं, तो या तो एल्डोल होगा या केनिजारो होगा, तो एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो एल्डोल, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो केनिजारो। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन पेरिएंट है, कार्बोनिल के बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इससे हाइड्रोजन अटैच है, तो अल्फा हाइड्रोजन पेरिएंट है, तो एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक का अल्फा हाइड्रोजन में से -H2O होता है, तो एक और यहाँ पे CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड O, यही तो है आपका प्रोपोनल लिखा है CH3 CH2 CHO। अब एक का ऑक्सीजन और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, तो कार्बोनिल के बाद नेक्स्ट ये कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला H2 हो जाएगा, और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH3 CH2। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन CH डबल बॉन्ड C, इसके बाद नेक्स्ट CH, और ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन से अटैच रहेगा डबल बॉन्ड C, और इस कार्बन से एक CH3 और एक CHO अटैच है, तो इससे एक मिथाइल ग्रुप और एक कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड अटैच कर दीजिए, यही है आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो NaOH/HCl से रिएक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा।
आप चाहें तो इसका मैकेनिज्म भी एक बार देख सकते हैं, नहीं तो हम बता दे रहे हैं एक बार मैकेनिज्म फिर से। तो NaOH बेस जो है एसिडिक हाइड्रोजन इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ से एक एच प्लस चला जाएगा, एच प्लस जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एच प्लस जाने के बाद तो एक एच चला गया सी एच टू से सी एच माइनस हो गया। अब ये निगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे, तो अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ से ओ माइनस बन जाता है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो सी एच थ्री सी एच टू नेक्स्ट कार्बन सी एच, और यहाँ से ये कार्बन बॉन्ड बनाता है मतलब यहाँ से जो कार्बन बॉन्ड बनाता है उससे सी एच ओ और सी एच थ्री अटैच है, और डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ से एक हाइड्रोजन है और यहाँ से ये ओ माइनस बनेगा। तो इस डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड कीजिए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ से ओ माइनस अटैच है, मतलब जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो फर्दर ये एच प्लस एक्सेप्ट करके ओ एच बनाता है, ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट है ओ एच। अब इसका कंडेंसेशन होता है मतलब माइनस एच टू होता है, तो यहाँ से ओ एच और यहाँ से एच जाता है तब जाके यहाँ डबल बॉन्ड आता है, तो सी एच थ्री सी एच टू नेक्स्ट सी एच और यहाँ से डबल बॉन्ड कार्बन फिर सी एच ओ और यहाँ से सी एच थ्री अटैच है तो ये भी अटैच कर दीजिए। ये आपका हीट होने के बाद यू एन सी बी मैकेनिज्म होता है तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है। तो आप सिंपल ट्रिक से कहिए कि एक का ऑक्सीजन और दूसरे का दो अल्फा हाइड्रोजन से माइनस एच टू कर दीजिएगा तभी आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मैकेनिज्म ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास दो कार्बोनिल है, देखिए पी एच सी एच ओ और इसके पारा पोजिशन से ओ सी एच मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है प्लस एच सी एच ओ फॉर्मल्डिहाइड और इसका रिएक्शन कर रहे हैं के ओ एच बेस से, तो फिर से एल्डोल या फिर केनिजारो। तो एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो एल्डोल होगा, लेकिन एच सी एच ओ इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, एक ही कार्बन है तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं होगा। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा कार्बन नहीं होता है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा कार्बन के लिए एस पी थ्री कार्बन होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट कार्बोनिल के बाद नेक्स्ट ये जो कार्बन है ये एस पी टू है, एस पी टू है तो अल्फा कार्बन नहीं है, और अगर इसको आप अल्फा कार्बन मानते भी हैं तो फिर भी यहाँ से एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन तो किसी भी हालत में नहीं है इसके पास। अब अल्फा हाइड्रोजन किसी के पास नहीं है दोनों में तो क्या होगा, केनिजारो रिएक्शन, और केनिजारो होगा तो दो कार्बोनिल है तो क्रॉस केनिजारो होगा, क्रॉस केनिजारो में कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उसी पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ओ एच सी ओ एच ग्रुप बनाता है तो इसलिए ऑक्सीडाइज होता है। इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है तो फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसके कंपेरिजन में इस पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको बेंजीन रिंग प्लस एम से स्टेबलाइज करेगा, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का टेंडेंसी कम रखेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का भी टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। तो ओ एच माइनस एच सी एच ओ फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करता है ज्यादा रिएक्टिव कार्बन पे, तो यहाँ से जब ओ एच अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा, ओ माइनस बनाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा आपका ये यहाँ ओ माइनस। उसके बाद फर्दर ये ओ माइनस जब डबल बॉन्ड बनाता है तो हाइड्राइड आयन एच माइनस चला जाता है, तो एच माइनस जाएगा तो एच सी और ये फिर से डबल बॉन्ड हो गया और ओ एच ओ एच अभी अटैच हुआ था तो एच सी ओ एच बनता है एच सी ओ एच, और एच माइनस जो ये मिला है हाइड्राइड आयन दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ एच जो था एच माइनस अटैक करेगा तो ये फिर से सिंगल बॉन्ड तो एक और हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, तो ये सी एच ओ से सी एच टू ओ माइनस सी एच टू ओ माइनस और फर्दर एच प्लस एक्सेप्ट करके सी एच टू ओ एच बनाता है, तो ये रिड्यूस होता है अल्कोहल में और ये ऑक्सीडाइज होगा कार्बोजैलिक एसिड में एच सी ओ ओ एच फॉर्मिक एसिड, लेकिन बेस के प्रेजेंस में कार्बोजैलिक एसिड रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेट आयन बनाएगा एच सी ओ ओ माइनस, तो एच सी ओ ओ माइनस और इसके साथ पोटेशियम साल्ट है तो के प्लस रहेगा एच सी ओ के पोटेशियम फॉर्मेट और ये अल्कोहल बना लेगा तो बेंजीन। इसके बाद यहाँ से सी एच ओ जो है वो सी एच टू ओ एच में रिड्यूस हो जाएगा और इसके पारा पोजिशन पे ओ सी एच थ्री पहले से अटैच है तो इसको भी अटैच कर दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट बेंजोइक एसिड का रिएक्शन सी एच थ्री एम जी आई से करवा रहे हैं, तो ये जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट है और ग्रिगनार्ड रिएजेंट स्ट्रोंग बेस और स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल दोनों होता है सी एच थ्री माइनस, तो यहाँ पे देखिए एसिड है तो एसिड है तो बेस की तरह रिएक्ट करेगा, ये बेस की तरह रिएक्शन करेगा तो एच प्लस रिलीज होगा और ये एच प्लस एक्सेप्ट करके सी एच फोर बनाएगा सी एच फोर मीथेन प्लस, और ये सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच बेंजोइक एसिड तो ये H प्लस रिलीज कर दिया तो बेंजोएट आयन बन जाएगा सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ माइनस, और सी ओ ओ माइनस के साथ
ये सी एच थ्री माइनस एम जी आई प्लस है, तो इसके साथ एम जी आई अट्रैक्शन में रहेगा, एम जी आई प्लस, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब सी सिक्स एच फाइव सी ओ एम जी आई, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, दिस प्लस मिथेन गैस। तो बेंजोइक एसिड प्लस ग्रिग्नार्ड एजेंट के रिएक्शन से ये बन रहा है। नेक्स्ट है सी सिक्स एच फाइव सी एच टू सी ओ ओ सी एच थ्री, ये आपका इस्टर है, सी ओ टू का मतलब हो गया सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और इससे सी एच थ्री अटैच है, और इस तरफ पी एच सी एच टू अटैच है, पी एच सी एच टू, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एक्सेस में है सी एच थ्री एम जी बी आर, तो फिर से ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये एसिड नहीं है, एसिड डेरिवेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो ये सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर एस एन टू टी एच मैकेनिज्म फॉलो होगा, एस एन टू टी एच होगा, तो यहाँ से ओ सी एच थ्री बाहर हो जाएगा और सी एच थ्री माइनस अटैच हो गया, तो पी एच सी एच टू ये तो था ही पहले से, और उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, मतलब अटैक किया, तो यहाँ से मिथाइल अटैच हो जाएगा, और ये सी एच थ्री ओ माइनस चला गया, सी एच थ्री ओ माइनस बाहर निकल गया लिविंग ग्रुप। अब फर्दर एक्सेस में है, तो आपके पास और भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सी एच थ्री एम जी बी आर, सी एच थ्री माइनस मतलब आपके पास है न्यूक्लियोफाइल, और कार्बोनिल, तो कार्बोनिल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, तो फिर से ये अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड जो है इस तरह से शिफ्ट होगा, ओ माइनस बनाएगा, तो यहाँ से एक और सी एच थ्री अटैच हो जाएगा, पी एच सी एच टू नेक्स्ट कार्बन, इससे एक सी एच थ्री पहले से था, एक सी एच थ्री और अटैच हो गया, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। उसके बाद फर्दर एसिडिफिकेशन, मतलब एच प्लस से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये जो ओ माइनस है एच प्लस एक्सेप्ट करके ओ एच बना लेगा, तो यहाँ से ओ माइनस की जगह ओ एच, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच प्रोपानोइक एसिड, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं फॉस्फोरस एंड ब्रोमिन, मतलब फॉस्फोरस ऑब्लिक बी आर टू, तो ए बनता है। उसके बाद ए का रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहलिक के ओ एच एक्सेस में है, उसके बाद फिर एसिडिफिकेशन एच प्लस से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि कार्बोजाइलिक एसिड का रिएक्शन यदि रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक बी आर टू से करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है ब्रोमीन एटम से, मतलब कार्बोजाइलिक एसिड के बाद नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन है इससे अटैच हाइड्रोजन, तो ये रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, तो एक एच जाएगा और एक बी आर लग जाएगा, इसको एच वी जेड रिएक्शन भी बोलते हैं, एच वी जेड रिएक्शन, तो यहाँ से एक एच रिमूव कीजिए और बी आर लगा दीजिए, तो ए होगा आपका सी एच थ्री सी एच, यहाँ से बी आर और ये सी ओ एच, ये आपका ए है। इसका रिएक्शन फर्दर कर रहे हैं अल्कोहलिक के ओ एच और एक्सेस में है, तो एक्सेस में है तो सबसे पहले तो बेस जो है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, तो सी ओ एच और बेस रिएक्शन करेगा तो ये सी ओ ओ माइनस बन जाएगा ए जो है सी एच थ्री सी एच बी आर। उसके बाद कार्बोजाइलिक एसिड से कार्बोजाइलेट आयन बनेगा और एक्सेस में है तो फर्दर अल्कोहलिक की वजह से इलिमिनेशन होगा, इलिमिनेशन में यहाँ से बी आर और यहाँ से एच जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो दो हाइड्रोजन बचेगा, फिर डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ से ब्रोमीन भी चला गया और सी ओ ओ माइनस। फर्दर एसिडिफिकेशन कर रहे हैं मतलब एच प्लस, तो ये सी ओ ओ माइनस जो है एच प्लस एक्सेप्ट करके सी ओ ओ एच बना लेगा, प्रोडक्ट होगा आपका सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ एच, यही आपका बी है, ए और बी यही बताना था। इसके बाद फिर नेक्स्ट सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ बेंजल डिहाई सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव, तो इथाइल एसीटेट इस्टर है और बेंजल डिहाइड है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं एन ए ओ सी टू एच फाइव इन अब्सोल्यूट इथानल एंड हीट, तो आपके पास बेस है सी टू एच फाइव ओ माइनस, इससे रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या होगा ये बेस है और सी डबल बॉन्ड हो इसके बाद नेक्स्ट कार्बन, तो इससे अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होगा तो ये एच प्लस के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ से एक एच प्लस जाएगा तो ये सी एच टू माइनस, बाकी सारा एजिटिज रहने दीजिए सी ओ और सी टू एच फाइव। अब ये देखिए न्यूक्लियोफाइल बन गया कार्बोनिल, तो कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये एक्चुअली में सी एच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो जब ये अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा ओ माइनस बनाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका सी सिक्स एच फाइव नेक्स्ट कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज,
और इस कार्बन से ये कार्बन अटैच हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट कार्बन CH2 होगा, और इससे फिर सी डबल बॉन्ड हो ओ C2H5, ये आपका बना है। अब इसमें से फर्दर ये H+ एक्सेप्ट करके OH बनाएगा, उसके बाद फिर -H2 होगा E1CB मैकेनिज्म, यहाँ से H यहाँ से OH जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो C6H5 नेक्स्ट CH डबल बॉन्ड CH फिर COO C2H5, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा D। और इस रिएक्शन का नाम होता है क्लाइजन कंडेंसेशन, तो ये हम लेक्चर के टाइम बताए थे क्लाइजन कंडेंसेशन। अब अगले लेक्चर में सेकंड का ही 10th पार्ट से डिस्कस करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।